बिहार के शिवहर जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है। साथ ही इंटरमीडिएट परीक्षा को नकलविहीन बनाने को लेकर डीएम सज्जन आर काफी सख्त दिख रहे हैं। आज जिला अधिकारी के द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों पर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान प्रोजेक्ट बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपराही के निरीक्षण के क्रम में एक परीक्षार्थी की जाँच की गयी। जाँच के बाद उनके पास नकल सामग्री मिली। वहीं कलावती जियालाल उच्च माध्यमिक विद्यालय अंबाकला के परीक्षा केंद्र पर भी जाँचों के उपरांत एक परीक्षार्थी के पास से नकल का सामान पाया गया। दोनों परीक्षार्थी को कदाचार के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर जांच के लिए लगाए गए कर्मचारियों के द्वारा परीक्षार्थियों की सही से जांच न करने को लेकर डीएम सज्जन राजशेखर ने 3 केंद्र अधीक्षक समेत 29 शिक्षकों पर भी जांच बैठा दी। केंद्र अधीक्षक और शिक्षक पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया गया। कार्यपालक दंडाधिकारी लाल देव राम को निर्देश दिया गया कि कर्मियों से दंड की राशि वसूल कर संबंधित शीट्स में जमा करना सुनिश्चित करें।